नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर अथॉरिटी फिटनेस में। आज हम रिव्यू करेंगे एक ऑनलाइन जिम इक्विपमेंट का जो कि मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है 25th को, और वो आज 4 मई को जाके मिला है एक बहुत ही बुरी कंडीशन में। तो वीडियो को अंत तक देखिए और बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ट्विस्ट होने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, तो आपको इसको देखते रहना है और बस देखते रहना है, क्योंकि आपको पूरी डिटेल्स चाहिए जो कि मैं अपने पूरे वीडियो में आपको दूंगा और लास्ट में आपको वर्कआउट करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास है ये 2.5 kg की प्लेट्स। ये 2.5 kg के प्लेट्स, 4 प्लेट्स हैं 2.5 kg की, तो टोटल वेट हो गया 10 kg। उसके बाद ये आती है 5 kg की प्लेट्स, ये भी 4 है, तो 20 हो गया 5 kg की प्लेट्स। और फिर लास्ट में 10 kg की 2 प्लेट्स हैं। ये और एक और बात, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये यहाँ पे दब रहा है, तो ये PVC प्लेट है, एकदम बकवास है, आप इसे ना लें। इसके बदले में आप रबर प्लेट्स चाहे स्टील प्लेट्स ले सकते हैं, सबसे बेटर तो कास्ट आयरन है, आप वो ले लें, सस्ते दाम का है। सबसे बकवास तो यही है, क्योंकि हर प्लेट में आपको देखने को मिलेगा कुछ टूटा फूटा। तो प्लेट की चर्चा हो गई है यहाँ, अब हम आते हैं अपने EZ बार पे। ये वो बार है, आपको यहाँ एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि मैंने ये बार 1 मंगाई थी और 5 फीट की बार 1 मंगवाई थी, तो इस पता नहीं किसने यही बार 2 बार दे दिया है। तो ये चीज़ बहुत ही फनी है, बहुत ही बकवास टाइप का है, मुझे बहुत गुस्सा आया इसको देख के। ये दोनों 3-3 फीट की है, बस यही एक कमी है और एक प्लेट्स में कमी है, बाकी सब इक्विपमेंट अच्छे खासे हैं, आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इक्विपमेंट है ये डंबल बार। ये डंबल बार एकदम परफेक्ट है, बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक नहीं है, ये मेटल है और ये अंदर से बिल्कुल हॉलो नहीं है। अगर आप यहाँ रहते तो मैं आपको इसका वेट करा सकता, ये मुझे लग रहा है कि 2 किलो का तो पक्का होगा, लेकिन इसमें एक हर इक्विपमेंट एक एक कमी है, इसमें भी एक कमी है, आप ध्यान से देखिए। ये जो चीज़ है, अगर आप इसको ऑन द फिट करते हैं तो आपका टोटल 2 मिनट खर्च होगा इसको पूरा फिट करने में, देखते रहिए। तो देखिए आपने क्या बकवास चीज़ है ये, बस इसकी इस क्लिप में प्रॉब्लम है, बाकी सब तो ठीक है, इसमें मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट इक्विपमेंट है हमारे पास ये 2 PVC डंबल, ये भी PVC ही है, PVC मतलब प्लास्टिक, आप इसे रबर मत समझिएगा, ये भी PVC है। देखिए यहाँ पे PVC कैप लिखा है, बेस्ट क्वालिटी PVC कैप, PVC डंबल बेस्ट क्वालिटी नहीं है, वर्स्ट क्वालिटी है, वर्स्ट, क्योंकि ये PVC है। आप बाइसेप लगा रहे हैं 100 रिपीटिशन, 200, मान लीजिए नीचे गिर गया, टूट गया, बकवास चीज़ है एकदम, आप इसे बिल्कुल ना लें। नेक्स्ट पीस ऑफ इक्विपमेंट हमारे पास ये पिंस हैं इन बार में लगाने के लिए, ये टोटल 6 पिन हैं, टोटल 6 है, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये भी सही है, लग जाती है, आपको मैं लगा के भी दिखा सकता हूँ। अब इसमें प्लास्टिक फिट है इसलिए लग नहीं रहा है, नहीं तो ये लग जाता है, मैंने एक में लगा के देखा था। उसके बाद
इसको इंट्रोड्यूस करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि ये लेदर ग्लव्स हैं, ये लेदर तो बिल्कुल नहीं है। देख लीजिए हाथ, ये क्या है ये? आप इसे डंबल पकड़ते हैं, ठीक से पकड़ाएगा भी नहीं, स्लिप हो जाएगा, डंबल गिर जाएगा, आपका पीवीसी प्लेट टूट जाएगा, पैसा बर्बाद। और नेक्स्ट पीस ऑफ इक्विपमेंट हमारे पास ये है, ये शायद लास्ट है, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। पूरे जिम किट में मुझे सबसे बढ़िया यही लगा, बाकी सब तो थर्ड क्लास का है। इसको अगर आप 5 मिनट तक करते रह जाएंगे तो आपके फोरआर्म में एक बहुत ही बढ़िया पंप मिलेगा और एक जलन फील होगा। हमारे पास एक और चीज़ है, इसको कहते हैं हम फास्ट स्किपिंग रोप। आप ये मत समझिए कि ये पतला सा दिया है तो बकवास है, ये फास्ट स्किपिंग रोप है। ये शायद मेरे हाइट के लिए थोड़ा सा ख़राब होगा, क्योंकि मेरा हाइट है कुछ 6.2 इंच, तो ये मेरे हाइट के लिए सही नहीं है। लेकिन अगर आपका हाइट 5'5" या 5'6" है तो आप इसे ले सकते हैं, ये स्ट्रेचेबल भी है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो हमारे पास बस यही था। ये अगर आप इस टोटल कॉस्ट की बात करें, प्लेट हो गया, ग्लव्स हो गए हैं, ये बार्स हो गए हैं, और ओवरऑल हर चीज़ का अगर हम कॉस्टिंग करें तो ये मुझे पड़ा था 2700 में। अगर आप 10 किलो लेते हैं तो आपको ये 1500-1600 में मिल जाएगा। अब आते हैं अपने वर्कआउट की ओर। आपको वर्कआउट कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और बस एक लास्ट इक्विपमेंट जो कि मैं इंट्रोड्यूस कराना भूल गया था, मैं अभी करा दे रहा हूँ, वो है ये कोर फिटनेस का जिम बैग। मैंने अभी तक इसे अनबॉक्स नहीं किया है क्योंकि मैं इसे करना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ इसमें एक बैग होगा जिसमें ये सब प्लेट्स डाल के आपको स्क्वाट्स करने हैं, बस इतना ही भर इसका काम है। मैं आपको एक और चीज़ कह देना चाहता हूँ, अगर आप पीवीसी प्लेट्स ले रहे हैं तुम ना लें, इससे अच्छा आप अपने पैसे में आग लगा लें, क्योंकि ये एकदम क्या कहें इसे अननेसेसरी ये चीज़ है। क्योंकि अगर आप कोई भी ट्राइसेप एक्सटेंशन कर रहे हैं या आपके हाथ से छूट गया, नीचे गिरेगा और ये बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इसमें मैंने खोल के देखा है, कैप है, आप इसे खोल के देखिएगा तो इसमें केवल मिट्टी और सैंड भरा है और थोड़ा बहुत कॉन्क्रीट का मिक्सचर होगा, बस इतना ही भरा है। तो आप
कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। और मेरा तो बस यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ना लें, ये पैसा का फुल बर्बादी है। आप रबर का ले सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो बस अगर आपको वर्कआउट अच्छा लगा हो और आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।